राज्य में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत जिला उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि जांच की संख्या बढ़ाने के लिए 6 और आरटीपीसीआर केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही रांची में कोरोना मरीजों के बढ़ते दबाव को लेकर रामगढ़ के 150 बेड के सीसीएल अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। आज ये निर्णय लिया कि 2 कोबास मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रिम्स के अंदर 110 नए आईसीयू तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में सीसीएल का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद झारखंड सरकार भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर कल अहम फैसला ले सकती है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूत से लिया जाएगा। जैसे सीबीएसई के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। इसके अलावा केंद्र द्वारा महानगरों से जो विशेष ट्रेन सेवा झारखंड के लिए शुरू की जा रही है उससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में भी राज्य सरकार कल महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। इस लिहाज से कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भी बैठक करेंगे और कई विषयों पर चर्चा के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के रोकथाम की दिशा में अहम निर्णय लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड अपडेट्स।